हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। मेरा नाम अभिषेक सर और आप देख रहे हो अभी स्मार्ट यूट्यूब चैनल को। सो गाइस, मैं हूं अभी मेडिकल कॉलेज रोड, आगे है झुनिया बाजार। तो चलते हैं दोस्तों, और मैं आपको असुरन तक जा रहा हूं, तो मैं आपको पूरा नज़ारे दिखाऊंगा इधर के। और दोस्तों रोड, जो रोड की मैं बात कर रहा हूँ, ये है आपका गोरखपुर से महाराजगंज हाईवे। और इसका जो दोस्तों आप देख सकते हैं बन गया है, काफ़ी दिनों से इसका काम चल रहा था बट अब दोस्तों बन गया है। और गाइस बीच में देख सकते हैं पेड़ पौधे लगा दिए गए हैं, तो कितने अच्छे लग रहे हैं। तो बढ़ते आगे की तरफ और आपको दिखाते हैं कितना कुछ बदलाव हो रहा है अपने गोरखपुर में। लाइटें लग रही हैं दोनों तीनों तरफ दोस्तों, लेफ्ट राइट और बीच में लाइटें लग रही हैं। तो आपको पूरा मैं सीन आपको दिखा रहा हूं, तो वीडियो पर बने रहे, वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिएगा दोस्तों, लाइक कर दीजिए फटाफट, आप लोग लाइक कर दीजिए, क्योंकि लाइक का रेशियो देख रहा हूं मैं बहुत कम होता जा रहा है। तो आप लोग फटाफट लाइक कर दीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपको वीडियो कैसा लग रहा है, और बताइए दोस्तों आप लोग कहाँ से देख रहे हैं। तो दोस्तों चलते हैं आगे की तरफ, और इधर देख सकते हैं ये है झुनिया बाजार, जो कि दोस्तों इसके आगे है आपका मेडिकल कॉलेज। तो मैं आपको मेडिकल कॉलेज होते हुए मैं आपको दिखा रहा हूँ, मेडिकल कॉलेज भी मैं आपको दिखाऊंगा, तो आप लोग वीडियो पे बने रहिएगा गाइज। और आप लोग आगे देख सकते हैं राशन जा रहा है, और वो भाई साहब कैसा लग रहा है दोस्तों, गाइज आप देख सकते हैं कैसा दिख रहा है वो भाई साहब। मेरा जो दोस्त है आशीष निषाद, वो बाइक को ड्राइव कर रहा है, और हम लोग बढ़ रहे हैं आगे की तरफ, और मैं आपको पूरे नज़ारे शहर के दिखाता हूँ। वो भाई आगे एक ट्रक और है, देख सकते हैं लेफ्ट साइड में दोस्तों, देख सकते हैं एक ट्रक और भी है। तो गाइज इधर आगे आप लोग लेफ्ट साइड में देख सकते हैं, यहाँ पर बाज़ार लगता है, जो होलसेल का सब्जी का मार्केट है वो लगता है, यानी दिन में ही लग जाता है दोस्तों। और दोस्तों इधर देख सकते हैं सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल, जो दोस्तों नया ब्लॉक बना है आपका मेडिकल कॉलेज, बीआरडी मेडिकल कॉलेज का। तो दोस्तों इधर आगे से गेट चालू हो गया है, तो मैं आपको दिखाता हूँ लेफ्ट साइड में, आप लोग देख सकते हैं वो भाई साहब कितना अच्छा लगता है दोस्तों। सुपर स्पेशलिस्टी हॉस्पिटल है मेडिकल कॉलेज का, बीआरडी मेडिकल कॉलेज का, बाबा राघव दास मेडिकल कॉलेज का। दोस्तों ये गेट अब चालू हो गया है, मेरे लेफ्ट साइड में जो गेट है वो दोस्तों चालू हो गया है, और आगे का गेट है जो दोस्तों वो उसका जो न्यू गेट बन रहा है दोस्तों, नया गेट और बड़ा गेट बन रहा है उसका, अभी अंडर कंस्ट्रक्शन काम है अभी, मैं आपको भी दिखाता हूँ। आगे चलते हैं, और मेडिकल चौराहा ये देख सकते हैं, और दोस्तों लेफ्ट साइड में आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे बन रहा है, ये देख सकते हैं पीछे दोस्तों एक गेट बन रहा है, और जो कि काफ़ी मतलब बड़ा बन रहा है गाइज। और बढ़ते हैं आगे की तरफ, और लाइट दोस्तों लग गया तो काफ़ी अच्छा लग रहा है, बट इधर की लाइटें दोस्तों हैं थोड़ा सा लो क्वालिटी की लाइटें लगी हुई हैं। जो गोरखनाथ रोड है दोस्तों, उसमें जो हाई क्वालिटी की लाइटें लगी हुई, उसका जो मतलब ये दोस्तों अभी कुछ जलता है कुछ नहीं जलता है, तो इसमें अभी रिपेयरिंग हो रहा है, और आई होप जल्द ही रिपेयरिंग हो जाए और अच्छे से हो जाए। और दोस्तों आप, मैं आपको बता दूं कि गोरखनाथ के साइड में दोस्तों बीच में जाली लग गया है, रोड के बीच में जाली लग गया है, और इधर देखते हैं कब लगता है, लगता है कि नहीं लगता है, मैं आपको अपडेट दूंगा ज़रूर। और उधर तो दोस्तों लग गया है, और आगे सिटी हॉस्पिटल गाइज, आप लोग आगे देख सकते हैं सिटी हॉस्पिटल है। तो सिटी हॉस्पिटल होते हुए, चरगांव होते हुए मैं आगे की तरफ बढ़ रहा हूँ खजांची होते हुए, तो मैं पूरा नज़ारे आपको दिखा रहे हैं, और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा गाइज, और चैनल पर तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा गाइज, और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे क्या है कि आपको नोटिफिकेशंस मिल जाएंगी। और गाइज अभी धूप काफ़ी ज़्यादा हो रहा है, गर्मी काफ़ी ज़्यादा पड़ रही है, जिसकी वजह से पेड़ पौधे आप देख सकते हैं कोई कोई तो मतलब सूख जा रहे हैं पेड़ पौधे, और इधर देख सकते हैं रेलिंग लगा हुआ है, ऐसे दोस्तों उधर भी रेलिंग लगा, बीच में दोस्तों जाली लग गया है, और इधर तो जाली नहीं लगा है, रेलिंग लग गया है दोस्तों, लेफ्ट साइड में भी रेलिंग लग गया है अभी इधर देख सकते हैं, और राइट साइड में भी लगेगा, और दोनों तीनों मतलब रोड साइड के दोनों तरफ भी रेलिंग लगेगा, और गाइज लाइट भी लगेगा। आगे मैं आपको दिखा रहा हूँ, दोनों तरफ लाइटें लगी हुई हैं, जो कि काफ़ी अच्छा लगता है, यहाँ से देख सकते हैं गाइज, ये अपना गोरखपुर शहर, और मैं चरगांव चौराहे पर हूँ, और इधर लेफ्ट साइड में आप लोग देख सकते हैं लाइट लगा है, वो भाई साहब कितना अच्छा लग रहा है, और राइट साइड में भी लगा हुआ है, मतलब दोनों तीनों तरफ लाइटें लग चुकी हैं, जो कि देखने में काफ़ी अच्छा लगता है गाइज। और गाइज आप लोग फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिए, मैं ऐसे ही आपको गोरखपुर से रिलेटेड वीडियो बना के दिखाता हूँ और दिखाता रहूँगा गाइज, और आगे भी अन्य शहर की भी मैं वीडियो बनाऊँगा, तो आप लोग कमेंट करके बताइए। और दोस्तों इधर देख सकते हैं दोनों तरफ लाइटें लग चुके हैं, देखने में काफ़ी अच्छा है। और आगे खजांची चौक, तो मैं खजांची चौक पे दोस्तों आपका सिग्नल लाइट भी लग गया है,
और दोस्तों सीसीटीवी कैमरा भी लग गया है जो कि काफ़ी अच्छा है। सिक्योरिटी तौर पे दोस्तों हर चौराहे पे सीसीटीवी कैमरा और दोस्तों न्यू ट्रैफिक लाइट का मतलब लग गया है गाइज, और अभी लग भी रहा है, जिस चौराहे पे नहीं लगाया अभी लग भी रहा है, और दोस्तों कैमरा भी लग चुके हैं। और आप लोग लेफ्ट साइड में देख सकते हैं ओयो का होटल, और आगे है आपका खजांची चौक जो कि काफ़ी मतलब माना जाना चौक है। और यहाँ पर दोस्तों वर्कर आते हैं यहाँ से दोस्तों और अपने काम पे जाते हैं। यहाँ पर गाइज आप लोग देख सकते हैं कितने ज़्यादा वर्कर, वो भाई साहब ट्रैक्टर ट्राली में भी आ रहे हैं वर्कर। और आगे साइड में लेफ्ट साइड में दोस्तों वहाँ पर वर्कर आते हैं, वहाँ से काम पे जाते हैं जहाँ उनको जाना रहता है। तो आप लोग, मैं आपको दिखा रहा हूँ, रुकिए। ओ भाई साहब यहाँ पर जाम थोड़ा सा लग जाता है क्योंकि आगे से भी गाड़ियाँ भी आती जाती है। इधर देख सकते हैं गाइज कितने लोग यहाँ पर खड़े हैं, ये सब वर्कर मतलब जाते हैं अपने काम पे और सुबह सुबह निकल जाते हैं और उसके बाद दोस्तों यहाँ से काम पे जाते हैं। तो हम लोग बढ़ते हैं, इधर देख सकते हैं गाइज, ओ भाई साहब कितने लोग हैं। ये एक तरह का दोस्तों वर्कर का मेला लगता है, और देख सकते हैं सीसीटीवी कैमरा ऊपर, देख सकते हैं सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है, और दोस्तों और लाइट देख सकते हैं, सिग्नल लाइट भी लग गया है, ट्रैफिक लाइट जिसे बोला जाता है। और बढ़ते हैं आगे की तरफ, आगे हम लोगों को पेट्रोल डलाना है, तो मैं वीडियो को पॉज करूंगा, उसके बाद मैं वीडियो को कंटिन्यू करूंगा गाइज। और इस समय दोस्तों आगे पुलिया का काम चल रहा है, तो अभी दोस्तों रोड चालू नहीं है। दोस्तों ये वीडियो मैं कुछ समय पहले ही बनाया था, मगर इस समय दोस्तों अभी चालू नहीं है, आगे का पुलिया का काम चल रहा है, मतलब चालू है बट कहीं कहीं नहीं चालू है। तो दोस्तों यहाँ पर हम लोग पेट्रोल डलाएंगे, तो हम लोग दोस्तों पेट्रोल डलाने के बाद आगे बढ़ रहे हैं, और आगे है आपका एचएन सिंह चौराहा, शाहपुर चौराहा। तो हम लोग होते हुए आगे बढ़ रहे हैं, मैं आपको पूरा वीडियो दिखा रहा हूँ, और वीडियो पसंद आ रहे हो तो लाइक कर दीजिएगा गाइज। आप लोग लाइक नहीं करते हैं और वीडियो को रीच नहीं मिलती है, जितना ज़्यादा आप लोग लाइक करेंगे कमेंट करेंगे, अगर नहीं अच्छा लगा तो डिसलाइक कीजिए, कोई बात नहीं दोस्तों, आप लोग डिसलाइक भी कर सकते हैं, बट कीजिए, एक्शन लीजिए, कोई भी एक्शन लीजिए बट लीजिए आप लोग। और कमेंट करके बताइएगा आप लोग वीडियो कहाँ से देख रहे हैं, अभी तक अगर वीडियो देख रहे हैं तो बताइए कि कहाँ से वीडियो आप लोग देख रहे हैं। और रेलिंग लग गया दोस्तों, काफ़ी अच्छा लग रहा है, और लाइटें भी लग जाएंगी, इधर भी अभी नहीं लगा है, और स्टॉप मतलब कई आइकन आपको मेंशन किया गया है। और इधर देख सकते हैं लेफ्ट साइड में दोस्तों दुकानें खुल रही हैं, मतलब अभी अंडर कंस्ट्रक्शन था, अब हो गया है काम, यहाँ पर भी दुकानें खुलेंगी, और काफ़ी नई नई दुकानें खुल रही हैं गोरखपुर में। और दोस्तों जो गोरखनाथ का रोड है वो अच्छा बन गया है, और गाइज जो आपका स्पोर्ट कॉलेज से होते हुए गोरखनाथ के तरफ गया है रोड, वो भी दोस्तों आपका चौड़ीकरण उसका ब्यौरा, तो उसका भी वीडियो मैं जल्द लाऊंगा, बट आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा गाइज। और इधर देख सकते हैं आर्बिट, ये कोई कंस्ट्रक्शन का कंपनी है दोस्तों, यहाँ पर काम चल रहा है लेफ्ट साइड में, और राइट साइड में पासपोर्ट ऑफिस, तो अगर आपको पासपोर्ट बनवाना है तो दोस्तों आप लोग पासपोर्ट ऑफिस आ सकते हैं, राइट साइड में है, काफ़ी दूर दूर से लोग आते हैं यहाँ पर पासपोर्ट बनवाने। और बढ़ते हैं आगे की तरफ और आपको दिखाते हैं पूरे नज़ारे, और आई होप वीडियो आपको पसंद आ रहा होगा गाइस। और अभी 8 मिनट हो गया है, अगर देख सकते हैं दोस्तों काम चालू है, मतलब बहुत से जगह पर अभी काम चालू है। ओ भाई साहब इधर जिम सेंटर, इधर देख सकते हैं दोस्तों HP का हिंदुस्तान का पेट्रोल पम्प, ओ भाई साहब इधर काम चालू हो रहा है, कुछ मतलब नया बन रहा है लग रहा है। तो आई होप आपको पसंद आया होगा, धन्यवाद दोस्तों वीडियो देखने के लिए, लाइक जरूर कर दीजिएगा गाइज, आई होप आपको पसंद आया होगा।